वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन न्यूज में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे पहले एग्जाम अपडेट आपके अपने चैनल कॉम्पिटिशन न्यूज के माध्यम से आप लोगों को दी जाती है। दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बताने वाला हूँ। महा खुशखबरी दोस्तों आप लोगों के लिए होने वाली है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ने दोस्तों किताबों के साथ 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट होंगे, तो देखने वाले हैं कैसे ये पेपर होने वाले हैं, कौन सी ये यूनिवर्सिटी है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी दोस्तों हो सकता है और भी जो यूनिवर्सिटी है वो भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल एंड तक देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। आज ही का न्यूज़पेपर है दोस्तों, amarujala.com से लिया गया, शुक्रवार 15 मई 2020 का दोस्तों आज ही का पेपर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी देश की यूनिवर्सिटी है। DU में UGPG के ओपन बुक एग्जाम 1 जुलाई से होंगे। ओपन बुक एग्जाम का मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसा कि दोस्तों नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा, ओपन बुक का मतलब खुली किताबों से आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। और दोस्तों ये परीक्षा किसी विद्यालय में नहीं होगी बल्कि आप लोगों के घर में आपको ये परीक्षा देनी होगी। पूरी खबर को दोस्तों देख लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में UGPG के अंतिम वर्षों के छात्रों के 1 जुलाई से ओपन बुक एग्जाम होंगे। इस व्यवस्था के तहत नियमित कॉलेज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एजुकेशन बोर्ड के लगभग 2.5 लाख छात्र छात्राएं घर से ही परीक्षा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.5 लाख दोस्तों छात्र छात्राएं घर से ही परीक्षा देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फैसला दोस्तों DU की तरफ से लिया गया। हो सकता है देश की और भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो भी जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है वो हो सकता है दोस्तों घर बैठे ही लें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वे परीक्षा देने के लिए किताबें, नोट्स व अन्य लिखित सामग्री का प्रयोग कर सकेंगे। परीक्षा की तिथियाँ इस माह के अंत में जारी कर दी जाएंगी, जबकि पहले व दूसरे छात्रों के लिए परीक्षा की गाइडलाइन अलग से जारी की जाएंगी। DU की ओर से ओपन बुक एग्जाम को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम 1 जुलाई से कराए जाएंगे। एक दिन में 3 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। रविवार को भी परीक्षा होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसके अलावा 1 घंटा पेपर डाउनलोड करने, स्कैनिंग व उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए अलग से पोर्टल होगा। यहां लॉगिन करने के बाद ID व पासवर्ड डाला जाएगा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के बाद छात्र को SI प्लेन जो पेपर होते हैं दोस्तों उस पर प्रश्न पत्र हल करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पूरी खबर देख सकते हैं, आज के न्यूज़पेपर की खबर है। आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा किताबों के साथ में पेपर देना जरूर बताइएगा। कैसा है ये सरकार का फैसला जरूर दोस्तों आप अपनी राय रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या पेपर ट्रेडिशनल तरीके से होने चाहिए या ऐसे ही होने चाहिए किताबों को खुला रखें। अपनी दोस्तों जो भी प्रतिक्रिया हो वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।